है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको है ना मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ गिवन एरिया। इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज समझेंगे। सपोज ये कोई एरिया है, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो बी डॉट ए। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से निकल रही हैं वो बताती है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है बेटा मैक्सवेल। और 1 वेबर जो होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। इसी से ही हम एसआई यूनिट ऑफ बी निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ बी। तो बी का फार्मूला हो गया फाई अपॉन ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं टेस्ला। तो टेस्ला बी की एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट के लिए आ जाएगा मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेबर की जगह मैक्सवेल, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे कहते हैं गॉस। ये पहले भी बता चुका हूँ मैग्नेटिज्म चैप्टर में। तो 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10 की पावर 4 गॉस। इस चैप्टर में मेनली मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को पढ़ना पड़ता है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को पढ़ना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं और कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। सपोज एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है। तो फाई कितना हो गया? फाई हो गया बी ए थीटा हो गया 0। तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस 0, यानी कि बी ए। सपोज कॉइल ऐसे रखा है कि एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो थीटा हो गया 90, तो बी ए कॉस 90, तो फ्लक्स हो गया 0। सपोज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है नीचे और एरिया वेक्टर ऊपर है ए, तो थीटा हो गया 180, तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस 180, यानी कि -B। तो ये 3 पोजीशन जो हैं ये बड़ी काम आएंगी आपकी फ्लक्स के चेंज निकालने के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। सपोज कोई कॉइल ऐसे रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब हमने कॉइल, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर कॉइल को 180 डिग्री घुमा दिया। लेट द कॉइल इज रोटेटेड बाई 180 डिग्री अलोंग द एक्सिस एज शोन। सवाल है फाइंड चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फाई बोलो या चेंज इन फ्लक्स बोलो, फाई फ्लक्स के लिए ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले
हम इनिशियल फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई वन हो जाएगा बी ए और एंगल एरिया वेक्टर बी के बीच का होता है तो जीरो है, तो कॉस जीरो बी ए। अब जब आप कॉइल को 180 डिग्री घुमाओगे तो एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा, बी वेक्टर ऐसे ही रहेगा, एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो फाइनल फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस 180, कॉस 180 माइनस वन होता है तो माइनस बी ए। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई टू माइनस फाई वन, तो फाई टू है माइनस बी ए माइनस बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा माइनस टू बी ए। ध्यान रखें चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए हमेशा फाइनल में से इनिशियल ही माइनस करते हैं। तो फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फ्लक्स बी पे डिपेंड करता है, फ्लक्स ए पे डिपेंड करता है और फ्लक्स थीटा पे डिपेंड करता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ बदलेगी, या तो बी बदले या एरिया बदले या थीटा बदले, तो फ्लक्स चेंज होगा। इस चैप्टर में चेंज इन फ्लक्स को ही पढ़ना है क्योंकि वो काम आएगा आगे, तो इसलिए हमने फ्लक्स का चेन सिखाया है आपको। चेंज इन फ्लक्स या तो बी बदले या ए बदले या थीटा बदले, तीनों ही वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है और ये एक्सिस है रोटेशन की, आप इस एक्सिस के अबाउट इसे ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ऐसे घूम रही है। इफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री अलोंग द एक्सिस शोन, फाइंड चेंज इन फ्लक्स। अब देखिए ऐसे घुमा रहे हैं इसे, पहले तो एक्सिस से यूँ पलट रहा था, अब ऐसे घुमा रहे हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो पहले फ्लक्स है बी ए और एंगल जीरो है कॉस जीरो बी ए, बाद में जो है 180 डिग्री घूमने के बाद भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो बी ए कॉस जीरो, तो बाद में भी फ्लक्स बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा फाइनल फाई टू माइनस फाई वन, तो फाई टू है बी ए माइनस बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो है, तो ऐसे घूमने पर कोई भी चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। तो हम चेंज इन फ्लक्स ही निकालना चाहते हैं, इसलिए चेंज इन फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं इसमें। अब पढ़ते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके, फैराडे एक्सपेरिमेंट। एक कॉइल ले ली, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक मैग्नेट ले ली, मैग्नेट को पास लेके आया, तो इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए, उन ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेंगे। इन ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन जो है वो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, तो पहले हम केवल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या देखा और बाद में उसने क्या कंक्लूड किया उसको बताएंगे फैराडे फर्स्ट लॉ में। व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड्स अ कॉइल देयर इज अ करंट इन गैल्वेनोमीटर, तो उसने देखा जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आया तो इसमें करंट था। व्हेन सेकंड पॉइंट, व्हेन मैग्नेट इज टेकन अवे देन ऑल्सो देयर इज करंट बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसने देखा
जब मैग्नेट को पास लेके आता है तो करंट आता है, जब मैग्नेट को दूर लेके जाता है तब भी करंट आता है, पर करंट अब की बार रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तीसरा, डिफ्लेक्शन इज मोमेंट्री, डिफ्लेक्शन इज मोमेंट्री। इट इज ओनली व्हेन मैग्नेट इज मूविंग। जो डिफ्लेक्शन है वो मोमेंटली है और केवल तभी तक रहता है जब तक मैग्नेट मूव करता है। मैग्नेट के मूव करना बंद हो जाता है, मैग्नेट का मूवमेंट बंद हो जाता है तो करंट का आना भी बंद हो जाता है। यानी मैग्नेट के मूवमेंट से करंट है, अगर मैग्नेट रुक जाता है तो करंट भी रुक जाता है, उसमें करंट नहीं आता है। मैग्नेट के मोशन पर करंट आता है, मैग्नेट के रुक जाने पर करंट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं करंट टेम्पररी है। इफ मैग्नेट इज ब्रॉड फास्ट, इज मैग्नेट इज ब्रॉड फास्ट या टेकन अवे फास्ट, देन करंट इज मोर, देन करंट इज मोर। जब मैग्नेट को ज़्यादा स्पीड से लेके आते हैं तो करंट ज़्यादा होता है, या ज़्यादा स्पीड से दूर लेके जाते हैं तो करंट ज़्यादा होता है। तो इसने ये तीन ऑब्जर्वेशंस लिए, इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इसने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बनाए हैं। अभी तीन एक्सपेरिमेंट किए हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर वन। अब देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट नंबर टू। इसके दिमाग में चल रहा था कि मैग्नेट से ही करंट आता है या मैग्नेटिक फील्ड से करंट आता है, तो इसने अब की बार क्या किया, मैग्नेट को लेके नहीं आया, फिर वैसे ही गैल्वेनोमीटर लगा लिया, और अब की बार एक करंट कैरिंग कॉइल को लेके आया। हम जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसमें करंट है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये कॉइल नंबर टू है, ये कॉइल नंबर वन है। तो इसने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज ब्रॉट टूवर्ड्स अनदर कॉइल, देयर इज करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन है जैसा पहले लिया था, जब करंट कैरिंग कॉइल को दूसरी कॉइल के पास लेके आया तो इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, इफ कॉइल इज टेकन अवे, देन ऑल्सो देर इज करंट, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब कॉइल को पास लेके आया तब करंट है, जब कॉइल को दूर लेके जा रहा है तब करंट है। करंट इज टेम्पररी, करंट टेम्पररी है, करंट इज टेम्पररी, इट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। करंट टेम्पररी है और जब तक इन दोनों के बीच में मोशन होता है तब तक रहता है करंट गैल्वेनोमीटर में, जब इनके बीच का रिलेटिव मोशन बंद हो जाता है तो करंट बंद हो जाता है। इफ कॉइल इज ब्रॉट फास्ट, यहाँ पर भी वैसे ही ऑब्जर्वेशन लिया जैसे पहले लिया था, इफ कॉइल इज ब्रॉड फास्ट करंट इज मोर। कॉइल को अगर फास्ट लेके आता है तो करंट जो है ज्यादा होता है। फैराडे का एक्सपेरिमेंट थ्री, फैराडे एक्सपेरिमेंट थ्री। फैराडे ने हमें बताया पहले एक्सपेरिमेंट में वो मैग्नेट लेके आया था तो ऐसा लग रहा था कि मैग्नेट का होना जरूरी है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो करंट कैरिंग कॉइल लेके आया और उसने कॉइल को उसके पास चलाया तो
करंट आ गया तो ऐसा लगता है कि चलाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि रिलेटिव मोशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने एक कॉइल ले ली, एक कॉइल ले ली और एक दूसरी कॉइल ली जिसमें एक स्विच लगा दिया। अब इसने क्या किया, स्विच को ऑन और ऑफ करके देखा तो क्या देखता है, करंट कैन बी इंड्यूस्ड, करंट कैन इंड्यूस होता दूसरे में करंट आना, करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इवन वैन देर इज नो रिलेटिव मोशन। वैन स्विच इज ऑन, वैन स्विच इज ऑन, मान लो ये बी कॉइल है, ये ए कॉइल है। वैन स्विच इज ऑन इन कॉइल बी देर इज करेंट इन कॉइल ए। वैन स्विच इज ऑफ इन कॉइल बी देर इज करेंट इन कॉइल ए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसने हमें बताया फैराडे ने कि जरूरी नहीं है मैग्नेट हो, जरूरी नहीं है करंट कैरिंग कॉइल हो और आगे पीछे चलाएं उसे, करंट कैरिंग कॉइल से बिना रिलेटिव मोशन के भी हम इसमें इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं। स्विच को ऑन करेंगे तब करंट है, स्विच को ऑफ करेंगे तब करंट है। इन तीन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने, फैराडे ने अपने दो लॉ बनाए। वो दो लॉ क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने क्या बताया, क्या कारण है करंट आने का, व्हेन फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस EMF इज इंड्यूस इन अ कॉइल इफ सर्किट इज कंप्लीट। EMF इज इंड्यूस इन अ कॉइल इफ सर्किट इज कंप्लीट, इंड्यूस करंट फ्लोस इन इट, इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट। द करंट फ्लो, द करंट फ्लो इन अ कॉइल टिल फ्लक्स चेंज। तो फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया कि जब भी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा अगर सर्किट कंप्लीट है तो, करंट फ्लो करेगा अगर सर्किट कंप्लीट है तो, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो EMF तो आएगा ही आएगा। और करंट जब तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज हो, चेंज पे ध्यान दें, फ्लक्स चेंज होना बंद, EMF बंद, करंट बंद। अब फैराडे ने सेकेंड लॉ में अपने क्या बताया, फैराडे के सेकंड लॉ में बताया कि कितना EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो EMF इंड्यूस का फॉर्मूला दिया, माइनस एन डी फाई बाई डी टी फॉर एन टर्न्स।
एन टर्न्स के लिए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके बारे में बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा एन डी फाई बाई डी टी। तो फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया कि जब भी कभी फ्लक्स चेंज होता है कॉइल में से, तो कॉइल में ईएमएफ आता है और इंड्यूस करंट फ्लो करता है। इंड्यूस करंट जब फ्लो करता है जब सर्किट कंप्लीट हो, और करंट जब तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज हो। सेकेंड लॉ में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू के बारे में बताया है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। नेगेटिव साइन इंडिकेट ईएमएफ इंड्यूस अपोजिस चेंज इन फ्लक्स। तो नेगेटिव साइन के बारे में उसने ये बताया कि ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि अपोज करता है फ्लक्स के चेंज को, यानी चेंज इन फ्लक्स को रोकता है। देखते हैं बेटा अदर फॉर्म्स ऑफ फैराडे लॉ। सपोज हमने पढ़ा है ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं फाइ टू माइनस फाइ वन अपॉन टी। सपोज क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो हम क्या करते हैं, एन और ए को बाहर ले लेंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स है एरिया, और बी टू माइनस बी वन अपॉन टी। ध्यान रखें जब भी कभी हम ऐसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके तो एवरेज आता है, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा ई एफ इंड्यूस तो माइनस एन ए डी वी, बी की क्वेश्चन दे रखी होगी उसमें, तो डी वी बाई डी टी ओनली एरिया चेंजेस के लिए क्या फार्मूला बनेगा, ई एम एफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस एन बी, एरिया हो जाएगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो हमें एक ही क्वेश्चन दे रखी होगी, तो एन ए बी डी ए वाई डी टी। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया है, उस हिसाब से हम अपना फॉर्मूला मॉडिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है बात इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज की। इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए हमको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर। तो ये इंड्यूस करंट का फार्मूला बन गया एन डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई आर। इंड्यूस चार्ज तो चार्ज हमने पढ़ा है डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो मैं करंट वाले फार्मूले को आपके टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एन डी फाइव बाई आर। इसका मतलब इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम दैट इज वेदर मैग्नेट इज ब्रॉट स्लो और फास्ट इंड्यूस चार्ज विल बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आता है।
अगर मैं मैग्नेट को फास्ट पे के आऊँगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा करंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन इंड्यूस चार्ज उतना ही रहेगा, चाहे मैग्नेट को फास्ट लेके आए चाहे मैग्नेट को स्लो लेके आए। देखते हैं सिंपल सा, द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू फाइव इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 1। फाइंड ई एम एफ इंड्यूस्ड एंड करेंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो ई का फार्मूला हमने पढ़ा है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 12t+7 ई एम एफ इंड्यूस। तो ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा माइनस 12, टाइम की वैल्यू 2 दे रहा है प्लस 7, तो आ जाएगा माइनस 31। तो -31 ई एम एफ इंड्यूस होगा, माइनस साइन इंडिकेट करता है इट अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस। इसको ऐसे ही रहने दो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड हो गया ई एम एफ इंड्यूस का 31 वोल्ट। अब करंट का फार्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज 31 है और रेजिस्टेंस 10 है, तो करंट की वैल्यू हो गई 3.1 एम्पीयर। क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 50 टर्न कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.3 वेबर टू 0 इन 1 सेकेंड। कैलकुलेट ई एम एफ इंड्यूस्ड। तो ई एम एफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एन टर्न्स के लिए, तो माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। तो एन है 50, फाइनल फ्लक्स है 0, इनिशियल फ्लक्स है 0.3, अपॉन टाइम है 1 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 × 0.3 यानी कि 15 वोल्ट। अ रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to plane of ring. If magnetic field is decreasing at a रेट ऑफ 0.1 टेस्ला पर सेकेंड, फाइंड वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड एंड करंट। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस ए डी वी बाई डी टी, टर्न्स एक है, एक ही रहेंगे, एक टर्न है, तो माइनस ए डी वी बाई डी टी।
तो ई हो जाएगा माइनस, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10/100 का स्क्वायर, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 0.1, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम माइनस 0.1 लगा सकते हैं। तो ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा पाई अपॉन 100 इंटू 0.1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 3.14 इंटू 10^-3 वोल्ट, यानी कि 3.14 वोल्ट। अब करंट पूछ रहा है, करंट होता है ई वाई आर, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 3.14 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट हो गए, 3.14 मिली वोल्ट डिवाइड बाई 2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1.57 मिली एम्पियर। तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आप कर सकते हो। कॉइल ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2000 टर्न्स, इज कैप्ट नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ 4×10^-5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन 0.1 सेकेंड। फाइंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस एंड इंड्यूस चार्ज इफ आर इज इक्वल टू 20 ओम। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं ईएमएफ इंड्यूस का। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस एन ए, एरिया कांस्टेंट है, बी टू माइनस बी वन अपॉन टी, या हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल टू एन डी फाई, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, एक ही बात है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो फ्लक्स फाई वन कितना होगा, पी ए कॉस 0 बी ए। अब कॉइल को 180 डिग्री टर्न कर दिया है तो बी ऊपर रहेगा लेकिन एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा, तो फाई टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस बी ए, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, यानी कि माइनस 2 बी ए चेंज इन फ्लक्स। तो ई एम एफ इंड्यूस का फॉर्मूला था माइनस एन, एन कितने दे रखे हैं 2000, और फ्लक्स हो गया माइनस 2 बी ए अपॉन टी, टाइम टी। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2000 2, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 4×10^-5, एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10^-4 मीटर स्क्वायर में कर लिया, अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेकेंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.08 वोल्ट। अब रही बात इंड्यूस चार्ज की, तो इंड्यूस चार्ज में टाइम नहीं आता है, इंड्यूस चार्ज का फार्मूला क्या बताया था, इंड्यूस चार्ज का फार्मूला मैंने बताया था आपको माइनस एन डी फाई अपॉन आर, इसको ले सकते हैं माइनस एन डी फाई को ले सकते हैं माइनस 2 बी ए अपॉन आर। तो
ये हो जाएगा 2NBA/R। टू नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, 2000 मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपकी, 500 सेंटी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपकी, 4×10^-5 एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे, 10^4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 20, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 4×10^4 कूलम।